हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, शुड शुड का कितने इस्तेमाल आप जानते हैं? शुड के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। शायद आप दो चार इस्तेमाल जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर आज मैं आपको टोटल 12 इस्तेमाल शुड के बताने वाला हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको शुड के सारे इस्तेमाल पता नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको सारे इस्तेमाल आते हैं तो आप क्विट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप ज़रूर देखना और पूरा वीडियो को देखना। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने शुड के सारे 12 इस्तेमाल लिखे हुए हैं, बट अभी हम सेंटेंसेस बनाकर समझते जाएंगे कि इनका इस्तेमाल किस तरह से होता है। ओके फ्रेंड्स, एग्जांपल के द्वारा हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, सो पहला इस्तेमाल है शुड। शुड सिर्फ शुड लगाते हैं तो उसका मतलब होता है करना चाहिए। जब करना चाहिए यानी कि कोई भी काम को, किसी भी काम को करना चाहिए, तो वहाँ पर हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, यानी सीखने का काम आपको करना चाहिए, तो यू शुड लर्न इंग्लिश। उन लोगों को मैच खेलना चाहिए, दे शुड प्ले मैच। यहाँ पर खेलने का काम होना चाहिए यानी कि करना चाहिए। इसी तरह से आपको उनसे मिलना चाहिए, यू शुड मीट हिम। उसे मेरे पास आना चाहिए, ही शुड कम टू मी। उन लोगों को नदी पार करनी चाहिए, दे शुड क्रॉस द रिवर। आपको मुझसे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू मी। तुम्हारे भाई को रोज स्कूल जाना चाहिए, योर ब्रदर शुड गो टू स्कूल एवरी डे। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से शुड के इस्तेमाल को ज़्यादातर लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही इजी है ये शुड का इस्तेमाल, आप जानते ही होंगे। बट जो नेक्स्ट इस्तेमाल है शुड बी, यानी कि शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या बनना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, जहाँ भी सब्जेक्ट के साथ अगर शुड बी लगा है तो उसका मतलब होगा होना चाहिए या बनना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, जैसे आपको अभी स्कूल में होना चाहिए, You should be in the school right now. उन लोगों को अभी मुंबई में होना चाहिए, They should be in Mumbai right now. उसे उसके माता पिता के साथ होना चाहिए, She should be with her parents. आपको डॉक्टर बनना चाहिए, You should be a doctor. उसे इंजीनियर बनना चाहिए, He should be an engineer. आपको अभी काम पर होना चाहिए, You should be at job right now. आपके पिताजी को अभी ऑफिस में होना चाहिए, Your father should be in the office right now. आपको ईमानदार बनना चाहिए, You should be an honest. हम लोगों को घमंडी नहीं बनना चाहिए, We shouldn't be arrogant. हम लोगों को बेईमान नहीं बनना चाहिए, We shouldn't be dishonest. Okay friends, जो तीसरा इस्तेमाल है वो should be plus V3, यानी कि should be के साथ हम जब V3 यानी कि verb का तीसरा form का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हो जाएगा इसका मतलब किया जाना चाहिए, जिसका इस्तेमाल हम passive voice में करते हैं। Okay friends, कोई भी काम किया जाना चाहिए, जैसे उस पेड़ को काट देना चाहिए या काट दिया जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, दूध पिया जाना चाहिए, इस तरह के सेंटेंसेस में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता है किया जाना चाहिए, जो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है, शुड बी प्लस V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, उस पेड़ को काट दिया जाना चाहिए, दैट ट्री शुड बी कट। आपको भेजा जाना चाहिए, You should be sent. उन्हें invite किया जाना चाहिए, They should be invited. English सीखा जाना चाहिए, English should be learnt. दरवाज़ा खोल दिया जाना चाहिए, The door should be opened.
कुछ किया जाना चाहिए, समथिंग शुड बी डन। आपके पिताजी को अस्पताल लेकर जाना चाहिए, योर फादर शुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो अगला इस्तेमाल है यानी कि चौथा, शुड हैव। शुड हैव का मतलब अगर सब्जेक्ट के साथ शुड हैव लगा है तो उसका मतलब होता है होना चाहिए, यानी कि किसी के पास कुछ होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, उसके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास एक लाल पेन होनी चाहिए, उन लोगों के पास कार होनी चाहिए, इस तरह के सेंटेंसेस। ओके फ्रेंड्स, तो उसके पास इंग्लिश की बुक होनी चाहिए, ही शुड हैव इंग्लिश बुक। आपके पास अपनी लैपटॉप होनी चाहिए, यू शुड हैव योर ओन लैपटॉप। उन लोगों के पास अपनी कार होनी चाहिए, दे शुड हैव देयर ओन कार। अगर आपको अच्छे घर की ज़रूरत है तो आपके पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए, इफ़ यू नीड अ गुड हाउस देन यू शुड हैव इनफ मनी। तुम्हारे पिताजी के पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए, योर फादर शुड हैव इनफ मनी। ओके फ्रेंड्स, पास मतलब पास होना चाहिए, इसका मतलब यही निकलता है। तो इसका अगला जो इस्तेमाल है वो है शुड हैव प्लस V3। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर शुड हैव है और यहाँ पर जो है शुड हैव प्लस V3 यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो इसका मतलब हो जाता है करना चाहिए था, करना चाहिए था। जब भी हम सब्जेक्ट के साथ शुड हैव और क्रिया का तीसरा फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है कि करना चाहिए था, यानी कि पास्ट में। ओके फ्रेंड्स, आपको मुझसे मिलना चाहिए था, यू शुड हैव मेट मी। उन लोगों को कल आना चाहिए था, दे शुड हैव कम यस्टरडे। कम का तीसरा फॉर्म भी कम ही होता है, कम केम कम। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए था, यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। आपको दूध पीना चाहिए था, यू शुड हैव ड्रंक मिल्क। उन लोगों को कल मैच खेलना चाहिए था, दे शुड हैव प्लेड मैच यस्टरडे। आपको मुंबई जाना चाहिए था, यू शुड हैव गोन टू मुंबई। ओके फ्रेंड्स, अभी इसका जो छठा इस्तेमाल है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन मतलब शुड के साथ हैव प्लस बीन होगा, तो इसका मतलब हो गया होना चाहिए था या बनना चाहिए था। यहाँ पर शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या बनना चाहिए, यहाँ पर शुड हैव बीन का मतलब होना चाहिए था या बनना चाहिए था। शुड हैव बीन मतलब जब हम पास्ट की बात करते हैं कि होना चाहिए था या बनना चाहिए था, तो वहाँ पर हम शुड हैव प्लस बीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें कोई वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें कोई भी वर्ब नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ईमानदार होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एन ऑनेस्ट। उन लोगों को बेईमान नहीं बनना चाहिए था, दे शुडंट हैव बीन डिसऑनेस्ट। आपको घमंडी नहीं होना चाहिए था, You shouldn't have been proud. Okay, friends, इसका अगला इस्तेमाल है should have been plus V3, यानी कि इसमें verb आएगा, have been रहेगा plus V3 यानी कि verb का तीसरा form का इस्तेमाल होगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा किया जाना चाहिए था। यहाँ पर है किया जाना चाहिए, should be plus V3, किया जाना चाहिए, इसमें था नहीं आता है। इसका भी इस्तेमाल हम पैसिव सेंटेंस में ही करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कि कोई भी काम किया जाना चाहिए था, उस पेड़ को काट दिया जाना चाहिए था, दैट ट्री शुड हैव बीन कट। आई शुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट दिस, मुझे इस बारे में पूछा जाना चाहिए था। ही शुड हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाना चाहिए था। ही शुडंट हैव बीन गिवन मोबाइल, उसे मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए था। द रेपिस्ट शुड हैव बीन किल्ड, बलात्कारी को जान से मार दिया जाना चाहिए था। थीफ्स शुड हैव बीन अरेस्टेड, चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। ओके फ्रेंड्स,
जो नेक्स्ट इस्तेमाल है शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था, यहां पर है पास होना चाहिए, कहां पर शुड हैव, शुड हैव का मतलब होना चाहिए, किसी के पास कुछ होना, यहां पर पास होना चाहिए था, शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था। आपके पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए थे, यू शुड हैव हैड इनफ मनी। उसके पास इंग्लिश की बुक होनी चाहिए थी, ही शुड हैव हैड इंग्लिश बुक। उन लोगों के पास बंदूक होने चाहिए थे, दे शुड हैव हैड गन। आपके पास हथियार होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड वेपन्स। आपके पास घमंड नहीं होना चाहिए था, यू शुडंट हैव हैड एरोगेंट। आपके पास ईमानदारी होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड ऑनेस्टी। ओके फ्रेंड्स, अभी जो इसका अगला इस्तेमाल है शुड हैव टू, यानी कि करना ही चाहिए। जब भी सेंटेंस में करना ही चाहिए यानी कोई काम करना ही चाहिए ऐसा वहां पर उल्लेख किया गया हो तो उसमें हम शुड हैव टू यानी कि शुड हैव के बाद टू का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब का पहला फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, जैसे आपको स्कूल जाना ही चाहिए यानी कि जाने का काम करना ही चाहिए तो यू शुड हैव टू गो टू स्कूल। उन लोगों को आपस में बात करना ही चाहिए, दे शुड हैव टू टॉक ईच अदर्स। आपको मैच जीतना ही चाहिए, यू शुड हैव टू विन द मैच। हमें इंग्लिश सीखनी ही चाहिए, वी शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। फ्रेंड्स, इन सारे सेंटेंसेस को जो शुड हैव टू से बना रहे हैं हम, इसको हम मस्ट से भी बना सकते हैं। जैसे आपको स्कूल जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल। आपको अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, ही का मतलब होता है हम बात को जोर दे के बोल रहे हैं, यानी कि अवश्य या जरूर, यानी कि आपको ये काम करना ही चाहिए, यू मस्ट डू दिस वर्क। हम मस्ट लगाकर भी बोल सकते हैं या यू शुड हैव टू डू दिस वर्क भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो अगला इस्तेमाल है शुड हैव हैड टू, यानी कि करना ही चाहिए था, करना ही चाहिए था, मतलब आपको मुंबई जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो टू मुंबई। आपको अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। उसे मुझसे मिलना ही चाहिए था, ही शुड हैव हैड टू मीट मी। उन लोगों को कल आना ही चाहिए था, दे शुड हैव हैड टू कम यस्टरडे। ओके फ्रेंड्स, इन सारे सेंटेंसेस को भी हम मस्ट लगाकर भी बना सकते हैं। जैसे आपको मुंबई जाना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव गोन टू मुंबई। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर V3 का इस्तेमाल हम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जब भी हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे इसमें तो V3 का इस्तेमाल करेंगे। आपको अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए थी या आपको अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए थी, यू मस्ट हैव लर्न्ड इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला क्या है, 11 नंबर पे, शुड हैव टू हैव, यानी कि पास होना ही चाहिए, पास होना ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, जरूर होना चाहिए, आपके पास जरूर होना चाहिए। आपके पास एक लाल पेन जरूर होनी चाहिए, उनके पास एक किताब जरूर होनी चाहिए, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपके पास एक लाल पेन जरूर होनी चाहिए, यू शुड हैव टू हैव अ रेड पेन। उसके पास बंदूक जरूर होनी चाहिए, ही शुड हैव टू हैव अ गन। आपके पास इंग्लिश की बुक जरूर होनी चाहिए थी, यू शुड हैव टू हैव इंग्लिश बुक। उन लोगों के पास पर्याप्त पैसे जरूर होने चाहिए, दे शुड हैव टू हैव इनफ मनी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है शुड आई शुड वी, मतलब मैं इसका आपको एक एक्स्ट्रा इस्तेमाल बता रहा हूँ। ये टोटल 12 इस्तेमाल मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसमें जो लास्ट इस्तेमाल है, क्या मैं आपके लिए चाय लाऊं, क्या मैं आपके लिए बिस्तर लगाऊं, क्या मैं आपके लिए पानी गर्म करूं, इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम शुड लगाकर बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, शुड आई ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए एक कप चाय लाऊं। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से हम साथ में मिलकर कुछ करने की बात करते हैं तो भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे
कि क्या हम सिनेमा देखने चले? शुड वी गो टू वॉच मूवी? क्या हम क्रिकेट खेले? शुड वी प्ले क्रिकेट? ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपने अभी शुड के सारे इस्तेमाल को देखा, जाना और सीखा। उम्मीद करता हूँ कि इसके अलावे और भी कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें अगर कोई शुड का इस्तेमाल होता होगा तो वो मैंने छोड़ा होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर छूटा भी होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेंटेंसेस बाकी रह गया है जिसे हम शुड का इस्तेमाल करके बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के बाद आपको शूट से संबंधित जितने भी सेंटेंस मिलेंगे या सुनने को मिलेंगे या पढ़ने को मिलेंगे, आप सारे के सारे सेंटेंस को समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसको आप नहीं समझ सकते हैं जो शूट से बोला जा रहा हो या बनाया जा रहा हो। ओके फ्रेंड्स, अगर इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, कमेंट करके मुझे अपने विचार बताया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो को वैसे लोगों तक शेयर भी किया कीजिए जिन्हें इंग्लिश सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ एक शेयर करना है आपको बस। तो फ्रेंड्स, अगर आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप घर बैठे इंग्लिश सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। सारे वीडियोज आ जाएंगे, यहाँ पर 7 वीडियो हैं। इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा।